अभी देखिए गाड़ी में हम लोग ग्लूकोंडी भी ले ली है, यही दो बार अभी तक घोल के पी लिए है, तो थोड़ा सही भी लग रहा है अभी। दोस्तों अभी तो पहले हमको देखना पड़ेगा कहीं होटल तो मिले कुछ, थोड़ा पानी लेंगे मिनरल वाटर पीने वाला ठंडा पानी। ठंडा लगता है, गर्मी में ये सब खाने निकलता ही है। दोस्तों अभी हम लोग अंबिकापुर पहुंच चुके हैं, तो उतना जल्दी नहीं फर्क पड़ने वाला है, खाना छोड़ने से दुगलाता नहीं है। दोस्तों अभी हम लोग गाड़ी देखिए वहाँ पे होटल में लगा दिए हैं और आ चुके हैं, तो आज हम लोग ऑर्डर किए हैं चिकन। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे ब्लॉग में आपका फिर स्वागत है। दोस्तों अभी सुबह का 10 बज रहा है और हम लोग छत्तीसगढ़ आ चुके हैं। पिछला ब्लॉग में देखे थे आप लोग कि हम लोग का सफर जो चल ही रहा था, तो रात में हम लोग छत्तीसगढ़ इन कर गए थे, तो अभी हमारा छत्तीसगढ़ सफर जो यहाँ से स्टार्ट होता है और हमारा नागपुर का माल है। तो नागपुर क्या है कि आज का हमारा पूरा सफर जो है कोशिश रहेगा हमारा कि रायपुर पहुंच जाने के लिए। रायपुर कम से कम यहाँ से अभी 300 किलोमीटर है। अभी इधर पूरा घाटी एरिया है, पूरा पहाड़ जंगल है, क्रॉस में क्या ना ग्रीस कराना जरूरी है और गर्मी में क्या है ग्रीस पिघल के जल्दी निकल जाता है, तो जहाँ जहाँ मिलता हम कराही लेते हैं। तो हम देख रहे हैं होटल वगैरह है साइड में, पूरा गाड़ी खड़ा है, यहाँ ग्रीस वाला रहता ही है, ग्रीस वाला बुलाते हैं, पहले ग्रीस कराते हैं फिर यहाँ से निकलेंगे। दोस्तों अभी ग्रीस वाले आ चुके हैं और हमारे गाड़ी में ग्रीस भी होने लगा, ये देखिए। दोस्तों अभी हम लोग ग्रीस करवा लिए, अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं, जल्दी जल्दी सफर काटते हैं। दोस्तों यहाँ भी टायर चेक नहीं रुके हुए थे, टायर वो देख रहे थे, तब तक कुछ हमारे ससुराल वाले से मुलाकात हो गया, पहले बहुत अच्छा लगा। आप लोग यही के हैं? जी यही के हैं, यही सर रामानुजगंज के रहने वाले, रामानुजगंज के। चलिए बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिल करके, बहुत अच्छा लगा। ये छोटा पंडित जी, छोटा पंडित जी पे थोड़ा ज्यादा ध्यान होता है, उनका फैन है आपका पंडित जी। क्या नाम है पंडित जी आपका? मेरा नाम अर्पित तिवारी पड़ेगा, मैं रामानुजगंज से हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे पंडित जी मिलके। ये यहाँ रामानुजगंज के पत्रकार है, क्या नाम पत्रकार? विकास कुमार केसरी है। विकास कुमार क्या है? छत्तीसगढ़ शासन से अधिमानता प्राप्त पत्रकार हूँ मैं। चलिए सर आप ही लोग का बदला, तो यहाँ तक पहुँचे हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे। चलिए रामानुजन के सरजमी पे आपका हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। ये महामाया का नगरी है, जब भी आए मुलाकात कीजिए, अच्छा लगेगा। जरूर जरूर सर आइएगा, जरूर आइएगा। और अंकल जी मैं भी पत्रकार हूँ और मेरे पिताजी भी गाड़ी लाइन से है, और मुझे भी लगता है कि चलिए कम से कम खुशी होता है कि आगे बढ़ते हैं ट्रैफिक के फील्ड से। दोस्तों अभी आए लस्सी पीने के लिए, काफी नाम सुने यहाँ का लस्सी, भैया लोग बोले कि चलिए वही सब पीते हैं, गर्मी का दिन तो भाई लस्सी तो कोई बनता ही है, लेकिन सारा लोग सब साथ में आए लस्सी पीने के लिए, बहुत अच्छा लगा यार। यहाँ का फेमस लस्सी है और यहाँ पे है क्या ना, चौक पे बढ़िया दुकान भी है और हम लोग को जनरल चीज भी मिल जाता है और अच्छा चीज है लस्सी, गर्मी के दिन में लस्सी ज्यादातर पीना भी चाहिए। वो तो है, हम लोग दही वगैरह सब खाते रहते गर्मी में, लस्सी पीते हैं। तो चलिए ठीक है भैया, मिलते हैं फिर आप लोग से, बहुत अच्छा लगा मिलके, बहुत अच्छा लगा। चलिए चलिए आपसे बहुत अच्छा लगा मिलके, धन्यवाद भैया, धन्यवाद। ठीक है सर, छोटे तिवारी जी फिर मिलते हैं, जब इधर से मिला मुलाकात एक बार, आप लोग जब भी इधर आइए एक बार ठीक है, ठंडा ठंडा लस्सी पिला के मालूम तो चल जाएगा, टाइम ही नहीं पता चलता ना कब आ पाएंगे। दोस्तों अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं और अब क्या है कि अब थोड़ा ज्यादा ही गर्मी होने लगा, अब लू चल रहा है बहुत भयानक एकदम, जैसे अभी भी हम लोग जंगल में ही है पूरा, अभी हम लोग को 4 लाइन मिलने वाला भी नहीं है, अभी बहुत टाइम लगेगा 4 लाइन मिलने में, सिंगल सिंगल रास्ता चल रहा है और जंगल के बीच में ही, और नेटवर्क तो पूरा हट गया है और लू तो बहुत भयानक चल रहा है। अभी देखिए गाड़ी में हम लोग ग्लूकोंडी भी ले ली है, यही 2 बार अभी तक घोल के पी लिए है, तो थोड़ा सही भी लग रहा है। अभी गर्मी के कारण अभी गाड़ी भी बहुत कम दिख रहा है, 1-2 ही दिख रहा है जो आ रहे हैं, बाकी लोग अभी तो साइड में गाड़ी लगा के पेड़ के पास बैठे हुए हैं। अभी तो हम लोग को सबसे पहले पानी लेना पड़ेगा, पीने वाला पानी तो है अपने पास इसके अंदर, लेकिन जो ये पानी रहता है खाना बनाने वाला ये पूरा खत्म हो गया है, और यही पानी हम लोग इसमें डाल दिए, कूलर में सारा पानी डाल दिए थे, तो कूलर का भी पानी अभी पूरा खत्म हो गया है, इसलिए कूलर भी अभी चालू नहीं कर पा रहे हैं। ये वाला रास्ता में अभी क्या है कि थोड़ा पंप वगैरह नहीं मिला है अभी तक, नहीं तो वहाँ से भर लिए होते, छोटा मोटा गांव भी आ रहा है तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट वाला नल है उसका पानी भी खत्म हो गया था, तो फिर पापा बोले आगे ही कहीं पंप मिलेगा तो वहीं पे पानी भर लेंगे। दोस्तों अभी तो पहले हमको देखना पड़ेगा कहीं होटल वोटल मिले कुछ, थोड़ा पानी लेंगे मिनरल वाटर पीने वाला ठंडा पानी, इधर पूरा फाका फाका जंगल में सब मिल नहीं रहा है, और गाँव घर में क्या है की नहीं मिलता वो सब, और उसके चलते चल रहे हैं, और अभी क्या ना कि इधर कल इलेक्शन भी है, उसके लिए हम गाड़ी चला रहे हैं कि थोड़ा कम से कम सफर निकल जाए, ऐसा ना कि इधर भी वही हो जाए, गाड़ी उड़ी रोक दे तो भी दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हम पूरा ये अभी दोपहर में गाड़ी चला रहे हैं। दोस्तों अभी जो पुलिस गाड़ी भी पकड़ रहे हैं तो वो लोग खाली गाड़ी ही पकड़ते हैं, लोड वाले को जाने देते हैं। दोस्तों अभी हमको पेड़ मिला है तो यहीं पर रुके हुए हैं, तो थोड़ा तरबूज रखे हुए थे गाड़ी में, तो आज हमारा दोपहर का खाना समझ यही हो रहा है, कैसे तो गर्मी बहुत ज्यादा है, पानी पी पी के तो हालत खराब हो गया, चलिए यही रुकते तो खाओगे फिर निकलेंगे यहाँ से।
दोस्तों ये तरबूज हम लोग रास्ते में ही लिए, अभी आते हुए छत्तीसगढ़ में ही लिए, तो बहुत अच्छा है और पूरा लाल लाल भी है और मीठा भी बहुत है। यही रहता है कि इसको काट करके अगर फ्रिज में रख देते हैं तो उसके बाद खाने मजा कुछ, फिर भी ठीक है। अब हम लोग के लिए तो फिर भी ठीक है, ठंडा ही है थोड़ा सा, लेकिन फ्रिज में रहता हो तो अलग बात है। देखिए कितना मजा आ रहा है खाने में। ठीक है, मीठा निकलेगा ये तो कितना हो रहा है तरबूज। दोस्तों अभी जितना हो सके गाड़ी में लेके रख ले रहे, यही खाने में ही ठीक लगता है। और खीरा भी, ये सब क्या ठंडा रखता है पेट को ना, पूरा पेट को ठंडा रखता है। गर्मी में यही सब खाने निकलता ही है। ये अपना है कि खरीद के लाया जी? ये 70 का है। सत्तर मतलब 3 केजी? 3.5। 3.5 केजी। अब हम गाड़ी वाला लोग के लिए यही सब दुकान लगाया रहता है। देख सकते हैं यहाँ ना कोई बाजार है ना कुछ है, हम ही लोग के लिए बैठे हुए हैं, तो भाई रुकते तो ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्या देख रहे, पूरा जंगली जंगल है। चलिए चलते अब गाड़ी में, पैसा कट गया मेरा। चलिए ठीक है, निकलते हैं। तो दोस्तों अब खीरा को भी छीलते हैं हम लोग। अभी दोस्तों ये जगह पानी मिला हम लोग को, पानी वहाँ दिखा कि ऊपर टंकी लगा हुआ, नीचे नल लगा हुआ है, तो वही जा रहा सागर, जा रहा पानी लाने के लिए। ये देखिए पानी लेके आता है, अच्छा है, मोटर चालू है, ठंडा पानी भी रहेगा, अपना कूलर में डाला जाएगा, पीने का पानी भर लेते हैं, ताजा नहीं चल रहा है ना। चलो अपना कूलर में देने लग, पानी आ गया ना। दोस्तों अभी हम लोग अंबिकापुर पहुंच चुके हैं। ये देखिए, ये तो खैर रायगढ़ चला, ये रायगढ़ चला जाएगा। हम लोग आगे वाला कटिंग से घूमने वाले हैं, देखते हैं सिंगल बत्ती है कि क्या है। सिंगल बत्ती तो नहीं है, ट्रैफिक वाला रोका है, तो आगे वाला कटिंग से हम लोग लेफ्ट घूमेंगे। चले घूमे तो खैर दोपहर का टाइम है तो फाका फाका है, तो निकल जा रहे हैं। दोस्तों अभी रात के 10 बज चुके हैं और वहाँ से चलने के बाद अंबिकापुर जो हम लोग क्रॉस किए, तो उसके बाद हमारा सफर चलते रहा कंटिन्यू, कहीं नहीं रुके। अभी हम लोग बिलासपुर पहुंच गए हैं। बिलासपुर यहाँ से करीब मात्र 50 किलोमीटर और बचा हुआ है, तो अभी तो रात भर और गाड़ी चलाना ही है। और ये देखिए हम लोग एकदम ठंडा पानी बोतल ले लिए थे बर्फ वाला, अभी तो बर्फ बहुत कम हो गया, ये पूरा एकदम पत्थर बना हुआ था, दो दो बोतल ले लिए थे, ये काफी अच्छा हुआ अभी तक हमारा चल रहा है। और अभी तो हमारा खाना पीना उतना नहीं हो पा रहा है, तरबूज खाए थे और खीरा खाए थे तो वही उसी से पेट भी भर गया था। अभी क्या कि गर्मी में हम लोग थोड़ा खाना कम कर दी है, लेकिन पतला नहीं हो पा रहे अभी तक, थोड़ा सा भी असर नहीं दिखा है, ना मेरा में ना पापा में। हम लोग का नाश्ता वास्ता हो ही जा रहा है, जैसे तरबूज वगैरह खा ले रहे हैं और पानी इतना पी ले रहे हैं, तो खाना काम तो वही कर दे रहा है, तो उतना जल्दी नहीं फर्क पड़ने वाला है। खाना छोड़ने से दुगलाता नहीं है, लेकिन आज छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि गर्मी के टाइम में पेट में कुछ ना कुछ रहना भी चाहिए। नहीं तो हम लोग कहते ना पुराना कहावत में कि लू मार देता है अगर पेट में कुछ नहीं रहेगा तो। जो भी सिंगल रोड था सब खत्म हो गया, अब जो हमको फोर लाइन मिला है ये समझ लीजिए पूरा नागपुर तक। हाँ, बीच में मेरा प्लानिंग है कि सिमगा से हम कटने वाले हैं, अंदर रोड से जाने वाले हैं, इस बार प्लानिंग हुआ, क्योंकि सब ड्राइवर लोग बता रहा है कि उधर जाओगे तो पुलटेस वगैरह बचता है, सीधा छिछोला बॉर्डर जाकर निकलेगा। तो मेरा सेठ जी भी तो रायपुर में नहीं है, वो चल गए, थोड़ा बाहर थे, अभी दो दिन पहले थे वो, चले गए बाहर। अब चलो कोई बात नहीं, नागपुर से हमको उम्मीद है कि वापस आना पड़ेगा, क्या मेरा काम कुछ बढ़ गया है। एक मिनट, पोल टैक्स देख रहे, सब पार करते हैं टोल टैक्स से गेट, खुल गया। तो अभी क्या ना, हो सकता है कि हमको नागपुर से फिर वापस आना पड़ जाएगा, तो उसके लेकर के वापसी में मुलाकात कर लेंगे। ऐसे भी रायपुर में कई जन सबको मिलना था हमको, तो काफ़ी दिन बाद आ भी रहे हम रायपुर, ऐसा बात नहीं है, उधर ही चल रहे थे, गुवाहाटी चल रहे थे हम, तो अब क्या कि मिलना भी है, तो सोच रहे हैं अगर अच्छा मौका मिला, दिन दिन का सफ़र रहा, तो सिमगा से ही निकल जाएंगे सीधा छिछोला, अक्का पुलटस वाला सब बच जाएगा, थोड़ा सा सफर ही बच जाता है। दोस्तों अभी रात के करीब 11 बजने वाले हैं और एक होटल देखिए यहाँ पे दिखा है, तो सोच रहे अभी यहीं पे रुक जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, पहले देखना पड़ेगा पार्किंग। दोस्तों यहाँ पे अभी अच्छा पार्किंग मिल गया है, देखिए बहुत सारा गाड़ी भी लगा हुआ है, तो गाड़ी को हम लोग यहाँ पे लगवा दे रहे हैं। दोस्तों अभी हम लोग गाड़ी देखिए वहाँ पे होटल में लगा दिए हैं और आ चुके हैं, तो आज हम लोग ऑर्डर किए हैं चिकन। पहले तो हम लोग सोचे थे हाफ प्लेट मंगाएंगे, लेकिन डबल आ गया है। अब दिन में तो कुछ हुआ नहीं, तो रात में ज्यादा ही हो जाएगा, मौसम भी ठंडा कर दिया, अब खाली पेट रखना भी ठीक नहीं है, अपनी खा पी जाए, यहीं पे सोने वाले हम लोग हैं, ऐसे भी रात के खाना खाते हम लोग 12 बज ही जाएगा। देखिए अभी दो प्लेट आ गया चिकन, तो अभी हम नहीं खा रहे, पापा ही को दे देंगे, 4 पीस हो जाएगा फिर आपका। हम अपना सेब भाजी मंगा लिए, वही ठीक है, अभी पेट उतना सही नहीं हुआ अभी मेरा। ये सब कभी कभी गलती से फंस जाता है आदमी, हम लोग सोचे थे कुछ और, लेकिन हो गया कुछ और, सोचे थे कि अपना 2 पीस आएगा, हो जाएगा, और सागर अपना सेब भाजी बोल दिया था। अभी दोस्तों देख के थोड़ा सा लालच आ रहा, सोच रहे 1 पीस ले लेते ना। अब आ ही गया है तो 1 पीस ट्राई कर ही लेंगे, फिर 1 पीस ही खाएंगे सिर्फ, ज्यादातर ही नहीं खाएंगे, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा फिर। हाँ, जो होगा देखा जाएगा। दोस्तों अभी खाना तो खा लिया, अब जा रहे सोने के लिए, तो चिकन तो अभी उतना अच्छा नहीं लगा, पापा ही का हाथ का ज्यादा अच्छा लगता है,
तो अब सो रहे हम लोग। दोस्तों अभी सुबह का 7 बज चुका है और हम लोग फ्रेश होकर के रेडी है और आज का हमारा जो सफर है, हालांकि महाराष्ट्र में इन कर जाएंगे, नागपुर से रात में हम लोग पहुंच जाएंगे शाम में। देख सकते हैं इसी होटल पर हम लोग अभी रुके हुए हैं, अभी पीछे हमारा होटल है। और रात में तो खैर अच्छा हुआ कि हम लोग रुक गए तो वहीं पर अच्छा होटल मिल गया, खाना पीना भी ठीक से हो गया और हम निकल चुके थे। तो हम लोग अभी क्या ना कि अभी हम लोग बिलासपुर पार कर चुके हैं, अब बिलासपुर पार करके उसके बाद फिर अपना नया रूट से जाने वाले हैं। इस बार भी एक नया रूट आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि रायपुर होकर जाने से मतलब थोड़ा ज्यादा घुमाट पड़ जाता था और टोल टैक्स का खर्चा वगैरह भी जाता था। तो इस बार नया रूट से जाने वाले कुछ हमारे दोस्त ने बताया है, सीधा जाकर छिछोला निकल जाएंगे डोंगरगढ़ होते हुए। तो उस रोड को भी आज हम लोग ट्राई करेंगे कैसा रोड है, वैसा रहेगा तो फिर उसी जाना जाना चालू रहेगा। रायपुर भी आएंगे, रायपुर अपना सेट तो है नहीं आज, मुलाकात हो नहीं पाएगा, वो निकल गए बाहर। तो ठीक दोस्तों, अगला नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने मिलेगा आगे नागपुर का सफर का हमारा। इस ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।